डाउन सिंड्रोम एक वंशानुगत या जेनेटिक डिजीज़ है जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में आती है, लेकिन कई बार यह भी देखा गया है कि डाउन सिंड्रोम का डिफेक्ट एक म्यूटेशन या एक सडन चेंज जो नॉन जेनेटिक कॉज है उसकी वजह से भी हो सकता है। तो यह तो है कारण कि डाउन सिंड्रोम किस वजह से होता है। अब आइए देखते हैं कि डाउन सिंड्रोम होता क्या है। डाउन सिंड्रोम में हमारा जो 21 नंबर का क्रोमोसोम होता है वो दो की बजाय 3 बार रिपीट हो जाता है, जिसको बोलते हैं ट्राइजोमी ऑफ 21, जिसकी वजह से जो नवजात शिशु होता है उसमें कई तरीके के मानसिक और शारीरिक बदलाव या चेंजेस आ सकते हैं। इनमें होता है जैसे बच्चे का मेंटली रिटार्डेड होना या लो आईक्यू का होना है, कुछ आँखों में चेंजेस होते हैं, हाथ पैर में कुछ बदलाव होते हैं, ऐसे बच्चों के हाथ लंबे ना होकर थोड़े से चौकोर होते हैं, उनकी जो क्रीज होती है वो भी इस तरीके की ना होके हॉरिजॉन्टल होती है। इसी तरीके के उनमें पैर में जो अंगूठे और पहली उंगली के बीच का गैप भी बढ़ जाता है। उनको कई हार्ट डिजीजेस होने के जैसे ASD, VSD, PDA, दिल के अंदर जो छेद होते हैं उनकी संभावना कई गुनी बढ़ जाती है। कई बार देखा गया है कि ऐसे बच्चों को आंतों में रुकावट भी हो जाता है, जिसको ड्यूओडेनल एट्रीजिया वगैरह बोलते हैं। तो कुल मिलाकर जो डाउन सिंड्रोम के बच्चे होते हैं वो जन्म के समय से लेकर जब तक वो जीवित रहते हैं तब तक किसी न किसी परेशानी से वो जूझते रहते हैं, चाहे वो हार्ट संबंधी बीमारियां हों, पेट संबंधी बीमारियां हों, आँख संबंधी बीमारियां हों। और सबसे बड़ी बात यह है कि इनमें जो बुद्धि का विकास है या IQ कभी भी नॉर्मल नहीं होती है। और यह सब जो सिम्टम्स होते हैं वह कम या ज़्यादा हो सकते हैं। औसतन ऐसे बच्चे 30 से 40 साल की उम्र तक जीवित रहते हैं, कई कई बच्चे इससे आगे भी जी सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि आपका जो जेनेटिक मेकअप है वो किस तरीके का है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों मित्रों के साथ शेयर करें। हम रखें आपका ख्याल।